देश का सबसे बड़ा और सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में दया बैन को लाने के ये हैं वो तीन बड़ी वजह आखिर क्यों मेकर्स हुए मजबूर दया बैन की होगी इस दिन एंट्री। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो कि देश का सबसे लोकप्रिय सबसे बड़ा कॉमेडी शो है, इस शो ने लगातार लोग को एंटरटेन किया है। 2008 से लेकर 2023 तक दर्शक हमेशा से इस शो को फर्स्ट प्रायोरिटी देते आए हैं। देश का नंबर वन शो भी बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आखिर क्या वो बड़ी वजह है जिसके चलते तारक मेहता को हेट मिल रहा है? अब असित कुमार मोदी ने क्यों बड़ा फैसला उठाया है कि वो एक बार फिर दया बैन की एंट्री कराएंगे अपने तारक मेहता शो में? तो वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे राज हैं, लेकिन तीन ऐसे मेन मेजर रीज़न हैं जिसके चलते तारक मेहता के मेकर्स भी मजबूर हो गए हैं दया बैन को लाने के लिए। रीज़न नंबर वन, तारक मेहता के वर्सेटाइल एक्टर्स एक के बाद एक ले रहे हैं शो से एग्जिट। आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, जेनिफर मिस्त्री, शैलेश लोढ़ा हो या फिर नेहा मेहता हो जो कि अंजलि भाभी का कैरेक्टर निभा रही थी, टप्पू, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो कि लोग बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन दिन पे दिन ये शो धीरे धीरे अपनी लाइमलाइट को खोता गया, अपने दर्शकों का वो ट्रस्ट खोता गया और एक्टर्स का जाना बहुत बड़ा धक्का लगा है मेकर्स को। इवन आज भी तारक मेहता रोल तो करता है लेकिन तारक मेहता को बहुत सारी न्यूट्रल ऑडियंस जो है वो अब इस शो से बोर होते जा रही है और कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरा ऑप्शन भी चूज कर लिया है, जिसका बड़ा एक नुकसान दिख रहा है असित कुमार मोदी को। अब उन्होंने बड़ा फैसला उठा लिया है दया बैन को लाने का। और इसका एक दूसरा बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं, दया बैन की एंट्री यानी कि तारक मेहता में टीआरपी। दया बैन वो इंसान थी जो 2008 से लेकर 2017 तक रही और उन्होंने इस शो को नंबर वन बनाया। दया बैन अपने में इतनी ज्यादा यूनिक थी कि उनको आज तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है। दिशा वकानी को छोड़कर सारे ही कैरेक्टर का रिप्लेसमेंट हो चुका है, लेकिन दिशा वकानी ऐसी वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं, ऐसी कॉमेडी क्वीन मानी जाती हैं, क्योंकि दिशा वकानी को कोई भी रिप्लेस आज तक नहीं कर पाया है। असित मोदी ने कई बार ऑडिशन किए, कई बार लुक टेस्ट किया, लेकिन कभी भी वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि असित मोदी को एक डर सताता रहा है हमेशा से कि अगर दया बैन की एंट्री होती है और वो उस पर खरी नहीं उतरती हैं तो ये शो फ्लॉप नहीं होगा, सीधा ऑफेयर की डेंजर में आ जाएगा। बीते दिन दया बैन की एंट्री नहीं होने पर लोगों ने बॉयकॉट तारक मेहता का ट्रेंड चला दिया था, जब असित कुमार मोदी को सामने आना पड़ा और असित कुमार मोदी ने खुलकर इस बात को स्वीकारा कि फैंस का दिल टूटा है लेकिन आपका दिल कभी नहीं टूटने देंगे, दया बैन की एंट्री होगी और वो भी ज़रूर होगी। तीसरा ही बड़ा रीज़न जिसके चलते दया बैन का आज तक नहीं हुआ रिप्लेसमेंट, तारक मेहता शो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी शो को उठाकर देख लीजिए, जब भी कोई शो बहुत बड़ा बन जाता है तो उस शो में सस्पेंस रखा जाता है। सस्पेंस रखना यानी कि टीआरपी, चाहे वो अनुपमा शो हो, चाहे वो ये रिश्ता क्या कहलाता हो या फिर तारक मेहता, चाहे वो कॉमेडी शो हो या फिर डेली सोप, सब में सस्पेंस बनाए रखना मेकर्स की जिम्मेदारी होती है और असित कुमार मोदी ने भी ऐसा ही किया। असित कुमार मोदी को पता है कि अगर दया बैन का सस्पेंस बना रहेगा, अगर पोपटलाल की शादी का सस्पेंस बना रहेगा तो आने वाले दिनों में भी हमारे पास कॉन्टेंट ही कॉन्टेंट होगा और ये सब कॉन्टेंट और पैसे का चक्कर है कि असित कुमार मोदी ने आज तक दया बैन की सस्पेंस वाली एंट्री बरकरार रखी है। लेकिन लोगों का पारा तब चढ़ गया जब असित कुमार मोदी ने यह अनाउंस कर दिया था कि दया बैन आ रही हैं और एक बार फिर लोगों को धोखा मिला। अब फाइनली मेकर्स ने यह बड़ा फैसला उठा लिया है दिशा वकानी को लाने का एंड मार्क माई वर्ड, जिस दिन दया बैन की एंट्री होगी ये शो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। लेकिन ये शो और कितने साल तक सर्वाइव कर पाएगा ये कहना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि दिन पे दिन ये शो अपनी क्रेडिबिलिटी को खो रहा है। दिन पे दिन शो के एक्टर्स ने बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं, कई सारे लोग शो को क्विट कर चुके हैं, इवन अब भी बहुत सारे ऐसे यंग एक्टर हैं जो इस शो को छोड़ना चाहते हैं। इस शो में अगर दम बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जेठालाल की वजह से, और आज भी जो ऑडियंस इस शो को देख रही है वो जेठालाल की वजह से देख रही है, दया बैन के आने के इंतज़ार के लिए देख रही है। आप बताना कमेंट बॉक्स, क्या आप भी तारक मेहता में दया बैन की एंट्री का वेट कर रहे हैं? आपका क्या है ओपिनियन इस शो को लेकर? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।